नमस्कार, एस न्यूज में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवान के घर मातम पसरा हुआ है। उन्नाव कोतवाली क्षेत्र के लोकनगर मोहल्ले के रहने वाले शहीद जवान अजीत कुमार आजाद सीआरपीएफ बटालियन 115 में तैनात थे। अजीत कुमार की शहादत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। माँ अपने बेटे की तो पत्नी अपने पति की शहादत के बाद गुमसुम सी है। बहादुर पिता की नन्ही बेटी सरकार से कार्रवाई की मांग उठा रही है। एस न्यूज उन्नाव। मेरे पापा की तरह और यहाँ पर जैसा माहौल है और जहाँ पर जो शहीद हुए उनका उनके घर में कैसा माहौल होगा। मैं सरकार से चाहूँगी कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हम सरकार को और बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार की लापरवाही का तो नतीजा देख ही रहे हैं हम लोग तड़प रहे हैं, कुछ नहीं कर रही, कागजों में कार्यवाही है बस, ना कोई सूचना है ना कुछ है, फोन और न्यूज के सहारे हम लोग ऐसे ही। कोई जिम्मेदारी नहीं उन लोगों की, कोई सूचना दी जाए, कुछ किया जाए। हमको मोबाइल द्वारा मालूम हुआ, अभी तक सरकार ने कोई सूचना ही नहीं दी हम लोग को। इतनी सरकार है लापरवाह, आज अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। कितना आतंकवाद फैला है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। बताओ हमारे क्या 45 बच्चे सभी माताएं तड़प रही हैं, सब बच्चे। सरकार बहुत लापरवाह है, कोई बिल्कुल नहीं चिंता कर रही है बच्चों की। सारे हमले होते जा रहे हैं, कोई सरकार बहुत ज़्यादा लापरवाह है। अब पाकिस्तान वालों के पास कार्रवाई करी जाए कि सख्ती करी जाए कि वो ना करें, इधर हमला ना करें, आतंकवादियों को सजा दें।